अपने बैनर में रहते हुए
को जल्दी बनाते हैं, अपराधियों को जल्दी बना देते हैं। तो जो हमारे में शामिल होगी वो जल्दी है और बाकी सारे दोस्ती है, हम ठीक है और बाकी सब गलत है। तो ये तासुब होता है और ये गलत बात है, बल्कि ऐसा जो है ऐलान करना ही नहीं चाहिए और ना ये दावा करना चाहिए कि मैं जन्नती और बाकी सब हारी। इसी तरह आप देखते हैं कि हमारे यहाँ महफिलें होती हैं, ठीक है, तो मिनट से पहले जो है वो जन्नत में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना हाथ धोते करो, जिन्हें जिन्हें जन्नत जाना है उसी जुबान में बताओ, ठीक है। अब ये चीजें वो पता नहीं कहने वाला है कि सही के नहीं, जो आदत का लेकर है वो किस तरह जाएंगे, ठीक है। तो ये मन घनत बातें हैं, इसकी कोई दलील नहीं, ये बात एक जज्बात है और इनका नाम दलील नहीं है, इनका नाम दलील नहीं है। तो ये इन बातों में जो है हमें परहेज करना चाहिए कि हम जो है वो कोई काम करते हैं एक ही करते हैं और फिर बाद में ये अपने लिए फैसला करके बैठ जाते हैं कि ये जल्दी है, ये दोस्ती है, ये बात गलत है। जन्नत का फैसला होना है मरने वाले के ईमान की बुनियाद पर। हमारे लिए इस वक्त जो मसला है वो ये है कि अपने ईमान की सलामती की दुआ मांगा करें कि या अल्लाह ईमान कायम रखना, ईमान और मरते हुए भी ईमान साथ लेके जाने की सादत अता फरमा। मरने वाला ईमान के साथ मर गया तो अगली मंजिल फिर आसान है। मैंने पहले भी शायद ये मसला बताया है कि कब्र जो है कब्र उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्नल कब्रा अक्रम मंजिलिन मिन मनाजिल आखिरा, कि जो कब्र है ये आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। कब्र क्या है? पहली मंजिल है और हम वहां पे जाके जो है वो बोर्ड लगाते हैं आखिरी आराम का, आखिरी आराम का। तो कब्र आखिरी आराम का ही है, आखिरी आराम का या जन्नत है या दोजख है। तो हम बैठ के कैसे फैसला कर लेते हैं कि जो है उसके लिए आराम का करेंगे? आराम का तो उसके लिए होगी जो ईमान की हालत के साथ जो है अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। तो इसलिए ऐसी बातों से जो है थोड़ा परहेज भी करना चाहिए और इन पे जो है ऐसे यकीन भी नहीं करना चाहिए। देखिए ना, अगर ये जन्नत का मामला इतना आसान होता तो क्या जरूरत थी सहाबा किराम को 80 जंगें लड़ने की, क्या जरूरत थी उनको बीवियां जो है वो बेवा करने की, बच्चों को यतीम करने की, उनको जो है कई कई साल घर से बाहर रहने की क्या जरूरत थी? घर बैठ के सुभान अल्लाह कहते रहते, हाथ खड़ा करते, चादर में फेर के रो रहे, बस इश्क रसूल हो गया, मोहब्बत रसूल हो गई और जन्नत तक ही हो गई, ठीक है। तो इसलिए फिर जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है, ठीक है, कि उन्होंने जो है पूरा खानदान जो है वो रसूलुल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। क्या उनको पता नहीं था कि जन्नत सुभान अल्लाह कहने से आती है कि नहीं आती, ठीक है। वो भी वहां पर मदीने में खड़े होकर सबको कह रहे थे कोई बस ठीक है, नारे लगा लो और ऐलान कर लो, हाथ खड़े कर लो। तो हमने जज्बात को सब कुछ समझ लिया है, तो जज्बात और शौक ये कोई दीन नहीं है, ठीक है। दीन नाम है अल्लाह के फरमान का, रसूलुल्लाह के फरमान। तो ये बात पर नजरिया जो है हमारे यहाँ कुछ किया है, बल्कि आप हैरान होंगे, मुझसे जो है एक मसला पूछा गया था आज से चंद साल पहले की बात, और मैं उस दरबार को भी जानता हूँ, वहाँ पे जो सजादा नशीन नाम है उनको भी जानता हूँ, नाम उनका क्या लेना है। मसला उनके ही मुरीदों में से किसी ने पूछा था कि हमारे पीर साहब ने यह ऐलान किया है कि जितने बंदे कुर्स पे आए हुए हैं वो सारे जन्नती, ठीक है, उसने सबको जो है जन्नती बना। अब जिस बंदे को कोई ये जो है वो लॉलीपॉप दे के गुमराह करेगा, ठीक है, वो कुरान से भी ना वाकिफ है, हदीस रसूल से भी ना वाकिफ है, ठीक है। अगर इस तरह सबके लिए ऐलान होता है तो लोग तो पहले जो इतने सुस्त रहेंगे भाई 100 में से 10 भी नमाज पढ़ने नहीं आते, अगर 15 बंदे घर में रह रहे हैं तो मुश्किल से 2 बंदे नमाज पढ़ने वाले होंगे, वहां तो सुस्ती पहले इतनी पड़ी हुई। तो जब आप इस तरह जो है तो जन्नत के टिकट काटना शुरू कर देंगे, लोग कहेंगे लो जी जाके वास्ते रिमोट पक्की हो, तो इस तरह ये गलत बातें हैं और ये यहूद और नसारा के नजरियात की जो है वो तय करती है। अब अल्लाह ताला ने जो है इसमें वाजह तौर पर फरमाया कि ये उनकी ख्वाहिश है, उनके पास कोई दलील नहीं, ठीक है। और ये भी बात जहन में रहे कि ये जो यहूद और नसारा है
हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन के बारे में फरमाया कि बनी इसराइल के जो है वो 72 फिरके बने और मेरी उम्मत के 73 फिरके हों, मेरी उम्मत के 73 फिरके हों और एक जो है वो कामयाब होगा और बाकी नाकाम होंगे, गुमराह होंगे। और यहाँ पर फिरके का भी आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ ये भी बदकिस्मती है लाइलमी और पेशोरी की वजह से हमने जो है आज तक इस बात को नहीं समझा कि हमने दीन किसको कहना है, मजहब किसको कहना है, फिरका क्या है क्या नहीं। तो याद रखना फिरके का मतलब ये होता है कि किसी बंदे का अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से हटकर अपने तौर पर कोई ऐसी मनगढ़ंत बता के बना के उस पे कायम हो जाना, ये फिरका है। मसलन अल्लाह का कुरान कहता है, हदीस कहती है अल्लाह एक है। अब अगर कोई अल्लाह ना करे, वो कहते हैं कि एक अल्लाह नहीं है दो है, और वो इस बात पर अपने साथ जो है लोग मिला लेते हैं, तो ये फिरका होगा। ये क्या होगा? फिरका होगा। यानी जो दो जमा दो बराबर है चार की तरह वाज़ह बात है, क्लियर बात है अल्लाह के कुरान की और हदीस की, उससे हटकर अगर कोई नजरिया कायम करता है तो ये फिरका होगा। और नजरियाती तौर पर राय के एतबार से अगर कोई अपने आप को किसी हदीस की बुनियाद पर किसी तावील की बुनियाद पर अलग करता है तो ये फिरका नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि वो जिस तरह कुछ इदारे वाले अपनी अलामत बना लेते हैं, कोई जमात अपनी निशानी अलामत बना लेती है, किसी ने पगड़ी का रंग बदल दिया, तो हमारे यहाँ उन मुख्तलिफ पगड़ियों वालों को जो है फिरका कहा जाता है। वो जो फलानी पगड़ी आ गई, वो जो फलानी टोपी आ गई, वो जो फलाने, तो इन चीज़ों का नाम फिरका नहीं है। ठीक है, तो हजूर सल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक कामयाब होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी जहन में, अब हजूर सल्लम ने 73 फिरके भी फरमा दिए और उसमें ये बात भी आपने इरशाद फरमा दी कि वो जो 72 हैं गुमराह उनको भी हजूर सल्लम ने उम्मत से निकाला नहीं है। उम्मत से निकाल फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो, उनको 72 जो गुमराही पे हैं उनको आपने उम्मत से निकाला नहीं है। उम्मत की दो किस्में होती हैं, एक उम्मत दावत होती है, एक उम्मत इजाबत होती है। उम्मत दावत का मतलब है जिन तक हजूर की दावत पहुंच गई। अब 8 अरब लोग आबाद हैं दुनिया में, वो सब उम्मत दावत है और उन 8 में से 2 अरब ने हजूर का दीन कबूल किया हुआ है, हजूर का कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, वो उम्मत इजाबत है। अब उस उम्मत इजाबत में जो सही रास्ते पे है या जो गलत रास्ते पे है वो हजूर की उम्मत में फिर भी शामिल है। और एक हम है कि छोटी छोटी बात पे जो है इस्लाम से खारिज, एक काफिर, एक उस्ताद, एक फलां, एक फलां, फलां। ठीक है, मैं तो हैरान होता हूँ, हमारे बुजुर्गों की तालीम यह थी कि वो लोगों को इस्लाम में दाखिल करते थे और आजकल यह है कि इस्लाम से निकालने का काम, इस्लाम से निकालने का काम है बदकिस्मती से। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी तरह जो है किसी पे ऐसा फतवा या ऐसी बात जो है वो नहीं होनी चाहिए कि जिससे माशरे में जो है एक गलत नजरिया और गलत आदत और रिवायत जो है वो पड़ जाए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो एक कामयाब होगा, सहाबा ने पूछा उनकी अलामत क्या होगी, हजूर ने फरमाया मा अना अलैहि वा सहाबी, जो मेरे रास्ते पे होगा और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा वो जन्नत में होगा और कामयाब होगा। ठीक है, अब ये एक हजूर ने पैमाना दे दिया। ठीक है, कोई भी बंदा नजरिया अपनाता है, ख्याल अपनाता है, वो देख लो इसमें सहाबा का क्या मौकफ है, अगर वहां से दलील मिलती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिलती तो आप इस्लाह करें। और ये नहीं है कि हम एक दूसरे पे फतवे लगाते हुए, हजरत मौसा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं काफिर को भी अपने आप से अच्छा समझता हूँ। आपसे पूछा गया हजूर क्यों ऐसी क्यों बात करते, आपने फरमाया मुमकिन है अल्लाह उसको तौबा की तौफीक दे, वो हिदायत पे आ जाए, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए और अल्लाह उसकी तौबा को इतना अच्छा कबूल कर ले, अल्लाह उसको हिदायत का वादा